आप टाइटैनिक और अवतार बनाने वाले जेम्स कैमरून को तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड के जेम्स कैमरून नीरज पांडे के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने बिना डरे एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीजेस दी, जैसे बेबी, रुस्तम, स्पेशल ऑफ वेनसडे, एमएस धोनी। बताएंगे कैसे इन्होंने बॉलीवुड में सबसे हटकर अपनी अलग पहचान बनाई और इनकी कौन कौन सी मूवीज और वेब सीरीजेस जल्द आने वाली है। जब बॉलीवुड में करण जौहर, एकता कपूर, फराह खान जैसे डायरेक्टर क्वालिटी कंटेनर और अच्छे एक्टर को छोड़ नेपो किड्स के गॉड फादर बने बैठे थे, उसी बीच नीरज पांडे बिना झिझके एसएसआर जैसे एक्टर को एमएस धोनी के लिए कास्ट करते हैं। 2008 में काफी बड़ा रिस्क लेकर इन्होंने वेनसडे और उसमें एक भी आइटम सॉन्ग ऐड नहीं किया। ऐसा कहा जाता था कि उस टाइम पर कोई भी फिल्म बिना आइटम सॉन्ग के हिट नहीं हो सकती थी। लंगड़े घोड़े पर दाव खेला और जब अक्षय बैक टू बैक फ्लॉप दे रहे थे, तब इन्होंने उनके साथ मिलकर बेबी, रुस्तम, स्पेशल 26 जैसे फिल्में दी, स्पेशल ऑफ जैसी वेब सीरीज भी बना दी। नवंबर 25 को इनकी वेब सीरीज खाकी द विहार चैप्टर आ रही है, जिसको लेकर ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। अजय देवगन के साथ मिलकर आचार्य चाणक्य के ऊपर एक फिल्म भी बना रहे। वैसे इस इंडियन जेम्स कैमरून के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताना।